hello everyone welcome to my do advisor and i am priyanka Chauhan. today we will study class 6 science chapter 8 body movements still sit abs absolutely still observe the movements taking place in your body you abkubilkul siddhapatna और अब अप, आपकी बॉडी में क्या मूवमेंट हो रहे हैं ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है आपको जैसे आप ऑब्ज़र्व करोगे ब्लिंकिंग ऑफ योर आइज आप अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हो आइज़ को झपकते हो टाइम टू टाइम ऑब्जर्व द मूवमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ जब आप ब्रीथ करते हो तो बॉडी का मूवमेंट आपको ऑब्जर्व करना है जब हम ब्रीथ करते हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी मूव कर रही है ब्रीथ मीन्स जिस जब हम सांस लेते हैं वेन वी टेक इन ऑक्सीजन इनसाइड एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल वैन वी इनहेल एंड वैन वी एग्जेल ऑब्जर्व द मोमेंट्स ऑफ योर बॉडी देयर आर सो मेनी मूवमेंट्स दैट हैपन इन आर बॉडीज हमारी बॉडी में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं वैन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक राइटिंग जब आप अपनी नोटबुक में लिख रहे होते हो तो आप बॉडी को कौन सा पार्ट मूव कर रहे होते हो या फिर जब आप टर्न करके अपने फ्रेंड को देखते हो उस टाइम पर भी बॉडी में मूवमेंट हो रही होती हो तो डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस अगर आप एक ही प्लेस पर भी हैं तो भी आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स मूव कर रहे होते हैं यू ऑल्सो मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर यू गेट अप एंड यू गो टू योर टीचर और टू द स्कूल कंपाउंड और गो होम आफ्टर स्कूल सो यू वॉक रन स्किप जम्प एंड मूव फ्राम प्लेस टू प्लेस तो जब आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हो तो इस टाइम पर आप रन जम्प स्केप बहुत सारी मूवमेंट्स करते हो अपनी बॉडी से Now let us see how animals move. Animals how do move karte. Stable media like cow moves with legs. And how does animal move? Walk. Human beings again, legs, walk. Snake uses the whole body and slither on the ground. Fish swim in the water. Walk, run, fly, jump, creep, crawl, slither and swim. दीज आर ओनली अ फ्यू ऑफ द वेज इन विच एनिमल्स मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर इस इन मूवमेंट्स से एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर वाई आर देयर सो मैनी डिफरेंस इन द वे दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इतना डिफरेंस क्यों है कोई एनिमल स्विम कर रहा है कोई एनिमल फ्लाई कर रहा है या बर्ड्स फ्लाई कर रही है कोई एनिमल क्रीप कर रहा है क्रॉल कर रही है तो इतना डिफरेंस क्यों है मूवमेंट में वाई इज़ इट दैट मेनी एनिमल्स वॉक और ऐसा क्यों है कि कुछ एनिमल्स वॉक करते हैं कुछ स्लेथर जैसे स्नैक ऐसे ग्राउंड uh, में मूव करता है कुछ एनिमल्स स्लेथर मीन्स क्रॉल करना ऐसे रेंगते हुए जाता है क्रॉल करता है फिर स्विम करती है तो ये सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स सबसे पहले हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी में किस तरह से मूवमेंट होता है डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एंड हाउ डू यू मूव जब आप एक्सरसाइज करते हो आप अपने हैंड्स और लेग्स को कैसे मूव करते हो ये मूवमेंट कैसे होता है बॉडी में आप एक एक इमेजिनरी बॉल में इमेजिन करो कि एक बॉल है और उसमें बॉल रखी हुई है एट एन इमेजिनरी विकेट लाइक यू लाइक यू आर बॉलिंग एन इमेजिनरी बॉल आप एक बॉल को uh, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉलिंग करते हैं ना आप उस तरह से बॉल कर रहे हैं तो उस तरह से आप बॉल करने पे आपके हैंड का मूवमेंट कैसे हो रहा है आपकी आर्म कैसे मूव कर रही है पूरा सर्कल में मूव कर रही है रोटेट कर रही है सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है एंड डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव शोल्डर भी मूव कर रहा है नाउ लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप्स तो ये भी आप मूवमेंट आराम से कर सकते हो पूरा सर्कल में आप अपने लेग को मूव कर सकते हो अब अपने नी को बेंड कीजिए और अपनी एल्बो से बेंड कीजिए है. अपने हैंड को एल्बो से बेंड एक की डायरेक्शन में बेंड कर सकते हैं नी को बेंड करेंगे तो वो भी एक ही डायरेक्शन में मूव होगा अब आर्म्स को साइड में स्ट्रेच करना है तो ये सारे इस तरह से आप देखिए कि अपनी बॉडी पे किस तरह से मूवमेंट हो रहा है वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इजिली बॉडी के कुछ पार्ट्स को हम ईजिली मूव कर पाते हैं एक ही सारी डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं कुछ बॉडी पार्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं तो ऐसा क्यों है ये भी हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये बॉडी में जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहीं से बॉडी में मूवमेंट होता है बोन्स जहाँ पे अटैच होती हैं जॉइंट्स पे अब वो डिपेंड करता है वो किस टाइप का जॉइंट है तो वो उस टाइप से पर्टिकुलर मूवमेंट शो होता है बॉडी पे। जैसे नेक है हमारी नेक रोटेट करती है पार्टली या टर्न कर सकते हैं हम साइड में दिस मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहे हैं इसमें एक बाउल है सपोज एक बाउल लिया बाउल में एक बॉल रखी है और इस बॉल से एक पेपर का सिलेंडर ज्वाइन किया है तो इसको आप कंसिडर कीजिए कि ये आपका हैंड है पेपर सिलेंडर आपका हैंड है उसके आगे इस तरह से अटैच है और ये जो बॉल है यहाँ पे एक जॉइंट है तो आपकी ये बोन ईज़िली आपके हैंड की जो बोन है ये इजिली मूव कर पा रही है इस जॉइंट की स्पेस पे। did you notice that we are able to bend or rotate our body in places where two parts of our body seem to be joined jahan pe body ki do bones join hoti hai wahan pe hum movement kar pate hain us part se to use joint bolte hain jaise ki elbow ho gaya hamara shoulder ho gaya ya hamari neck ho gayi so these places are called joints joints jahan pe bones join करती hai उसको हम joint बोल रहे हैं। और joint से ही movement होता है। so can you name such name more such joints इफ़ आ बॉडी हेज़ नो ज्वाइंट्स अगर बॉडी में कोई ज्वाइंट नहीं होते तो क्या पॉसिबल होता हमारे लिए मूव कर पाना अगर नहीं होता जॉइंट्स नहीं होते तो मूवमेंट नहीं हो पाता वॉट एग्जैक्टली इज़ joined टुगेदर एट दीज जॉइंट्स तो इन जॉइंट्स पे क्या जॉइंट होता है प्रेस योर फिंगर्स आप अपनी फिंगर प्रेस करके देखिए अपने हेड पे फेस पे नेक पे तो आपको लगेगा कि कुछ हार्ड आपको फील होगा इस इन प्रेसिस पे ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं इन हार्ड स्ट्रक्चर्स को कहते हैं बोन्स ये बोन्स होती हैं बोन्स के नॉट बी बेंट जो बोन्स होती हैं बहुत हार्ड होती हैं और ये बेंट नहीं हो सकती सो हाउ डू वी बेंड आर एल्बो तो फिर हम अपने एल्बो को कैसे बेंड कर लेते हैं इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आर रिस्ट ऐसा नहीं है कि हमारे शोल्डर से लेके हमारी रिस्ट तक पूरी एक लंबी बोन है ये पूरी लंबी बोन नहीं है बीच में बहुत सारी बोन्स होती हैं इट इज़ डिफरेंट बोन ज्वाइन टुगेदर एट द एल्बो एल्बो पे बहुत सारी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं देर आर मैनी बोन्स present इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं और हर पार्ट में बहुत सारी बोन्स जुड़ी हुई होती हैं वी कैन बेंड और मूव आ बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट्स जहाँ पे बोन्स मीट करती हैं या बोन्स मिलती हैं उस पार्ट को कहते हैं जॉइंट और जॉइंट के थ्रू ही हम हमारी बॉडी को मूव कर पाते हैं हमारी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन अर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आवर डिफरेंट मूवमेंट्स एंड एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में बहुत तरह के जॉइंट्स होते हैं जैसे शोल्डर में होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट तो इस तरह के डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं फिक्स जॉइंट्स होते हैं हमारे स्कल में ये सारी जॉइंट्स अलग अलग होते हैं और इनका फंक्शन भी अलग अलग होता है ना फर्स्ट यू विल स्टडी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये जो हमने अभी एक्टिविटी पढ़ी थी कि स्मॉल बोल में ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंसिडर कीजिए बॉल एंड सॉकेट क्या होता है फ्री मूव करता है अंदर जैसे बॉल आराम से गोल गोल घूम सकती है आप अपने शो, अपना हैंड लीजिए और उसे आगे पीछे गोल डायरेक्शन में घुमा के देखिए आराम से पूरी हर डायरेक्शन में आगे से पीछे तक 360 डिग्री पे टर्न कर सकता है तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है ये सारे डायरेक्शन में आगे से पीछे तक मूव कर सकता है ये बॉल जैसे एक सॉकेट के अंदर घूम सकती है ना जैसे आप इसको सॉकेट समझिए ये एक सॉकेट है ये बॉल और ये यहाँ पे ये बॉल है ये बॉल इस सॉकेट में आराम से फ्रीली अंदर घूम सकती है तो उससे क्या है हमारा हैंड का भी मूवमेंट हो पाता है नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर ये आपकी आम है और जो बॉल है ये इसका एंड है नाउ द बाउल इज़ लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर ये आपके शोल्डर का पार्ट है टू विच योर आर्म इज़ कनेक्टेड आपका आर्म उसमें जुड़ा हुआ है फिट हुआ हुआ है ठीक है एक जैसे कोई भी बाउल लिया बाउल में कोई चीज़ फिट कर देते ना तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसी तरह होता है ये उसके अंदर फिट हो जाता है और ये हर डायरेक्शन में गोल गोल घूम सकता है द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी ऑफ द अदर बोन हम डायग्राम से समझेंगे जैसे ये राउंडेड स्ट्रक्चर है तो इसमें ये जो राउंड राउंड ये जो कैविटी है ये राउंड राउंड स्ट्रक्चर इस कैविटी में फिट हो गया कैविटी मीन्स एक होल की तरह है इस बोन में जैसे ये हिप बोन है तो हिप बोन का जॉइंट है ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है शोल्डर का जो जॉइंट है ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है तो बस ये कैविटी है और कैविटी में ये जो राउंड स्ट्रक्चर है थाई बोन का इसमें फिट हो जाता है और फिर हर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है सच जॉइंट अलाउज़ मूवमेंट इन ऑल द डायरेक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट हॉलो कैविटी में दूसरी बोन आके फिट हो जाती है नाउ कैन यू नेम अनदर जॉइंट वीच कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग तो दो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है बॉडी में वन इजेंड इज दिप जॉइंट ये दोनों जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नाउ द नेक्स्ट जॉइंट इज पावोटल जॉइंट द जॉइंट वेर आर नेक जॉइंट जहाँ पर हमारी नेक ज्वाइन करती हैड दिस इज कॉल्ड पाइवोड जॉइंट नाउ सीधे डाइग्राम दिस इज द पाइवोड जॉइंट ये पाइवोड जॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे हमारी नेक हेड से ज्वाइन होती है दिस इज द पावर्ड जॉइंट इट अलाउज़ आज टू बेंड आर हेड फॉरवर्ड इससे हम अपना हेड आगे की तरफ और बैकवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड टर्न कर पाते हैं और हेड को टर्न कर पाते हैं राइट और लेफ्ट में टर्न कर पाते हैं यू कैन ट्राई दीज मोमेंट्स आप नीचे और ऊपर की तरफ मूव कर पाएंगे एंड लेफ्ट एंड राइट हाउ आर दीज मूमेंट्स डिफरेंट फ्राम दोज टू आर आर्म्स दैट कैन रोटेट आर्म्स हमारे पूरे कम्प्लीट सर्कल में रोटेट कर पा रहे थे पर प्राइवेट जॉइंट जो है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह नहीं होता ये सारी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाता लेफ्ट राइट एंड अप एंड डाउन इन अ पावर्टल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग पाइवर्ट जॉइंट में एक सिलेंड्रिकल बोन होती है जो एक रिंग में रोटेट होती है सो पाइवर्ट जॉइंट एग्जाम्पल इज दिस नेक जॉइंट इज द हेड हेयर नेक्स्ट इज द हिंज जॉइंट ओपन एंड क्लोज द डोर अ फ्यू टाइम्स एंड ऑब्जर्व द दिन्जेस ऑफ द डोर केयरफुली दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ जब आप डोर को ओपन करते हो तो डोर आगे और पीछे इस तरह से मूव करता है दिस इज हिंज हिंज मूवमेंट और इसी तरह से जो जॉइंट आगे और पीछे मूव करता है उसको कहते हैं हिंज जॉइंट नाउ लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज मेक अ सिलेंडर विद अ कार्डबोर्ड और अ थिक चार्ट पेपर से एक सिलेंडर बनाना है फिर उसे एक पेंसिल अटैच करनी है सिलेंडर से बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर नाउ मेक अ हॉलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम द कार्डबोर्ड Such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is it this movement different from that constructed by the ball and socket joint? This you have to try the hinge movement this is जैसे आपका एल्बो का जॉइंट ले लीजिए एल्बो या आपके आपका नी का आप नी को आगे कर सकते हैं सीधा कर सकते हैं और फिर थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं ये हिंज जॉइंट होता है नी का जॉइंट द मूवमेंट है द एल्बो ये देखिए ये वाला जॉइंट ये आपका नी जॉइंट है नी जॉइंट आप पैर को आगे करेंगे और फिर पीछे करेंगे तो ये हिंज जॉइंट हो गया

स्कल में ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आर हेड हमारी हेड में जो जॉइंट्स होते हैं वो अभी जब अभी तक जो हमने जॉइंट्स डिस्कस किए उनसे डिफरेंट है द बोन्स के नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स बोन्स हैं वो मूव नहीं कर सकती इन जॉइंट्स पे एंड सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स्ड जॉइंट्स व्हेन यू योर माउथ वाइड आप अपना ऐसे मुंह खोलिए बड़ा सा यू कैन मूव योर लोअर जॉ आप अपने लोअर जॉ को मूव कर सकते हैं अवे फ्रॉम योर हैड इज इंट इट ट्राई टू मूव योर अपर जॉ नीचे वाली जॉ को मूव कर सकते हैं ऊपर वाली जॉ को मूव कीजिए ऊपर वाली जॉ को आप मूव नहीं कर पाएंगे आर यू एबल टू मूव इट दिस इज़ अ फिक्स जॉइंट देर इज अर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ द फिक्सड जॉइंट तो यह फिक्स जॉइंट है ये मूव नहीं कर सकता वी डिस्कस्ड ओनली समाइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट ऑफ अर बॉडी ना वॉट गिवस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप बॉडी के डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट शेप किससे मिलती है इफ़ यू वॉन्टेड टू मेक अ डॉल अगर आपको डॉल बनानी है तो वॉट विल यू मेक फर्स्ट तो आप पहले उसका फ्रेम वर्क बनाओगे डॉल का उसकी शेप बनाने के लिए उसका आउटर स्ट्रक्चर बन बिफोर मेकिंग बाहर का आउटर स्ट्रक्चर बनाने से पहले उसके अंदर का एक फ्रेम वर्क बनाओगे फिर उस पर आउटर स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसे ही हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं यह हमारी बॉडी में एक फ्रेम वर्क बनाती हैं टू गिव अ शेप टू अ बॉडी जिससे हमारी बॉडी को शेप मिले फिर इसके ऊपर मसल्स आ, मसल्स प्रेजेंट होते हैं और फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स ऑर्गेन्स के अंदर होते हैं द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ अराउंड थ्री हंड्रेड एंड बोन्स जब एक बे एक बर्थ होता है एक बेबी का उसकी बॉडी में थ्री हंड्रेड एंड फाइव बोन्स होती हैं धीरे धीरे करके एज के साथ वो जो जॉ नंबर ऑफ बोन्स हैं वो एज के साथ कम हो जाती हैं वो छोटी छोटी बोन्स जो होती हैं वो जॉइन हो जाती हैं तो नंबर ऑफ़ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विद एज एंड इट डिक्रीजेज टू टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स बाई एडल्टड एक बेबी में थ्री हंड्रेड एंड फाइव बोन्स होती हैं एक इन्फेंट में और एडल्ट में टू हंड्रेड एंड सिक्स बोन्स होती हैं क्योंकि वो बोन्स फ्यूज हो जाती हैं जॉइन हो जाती हैं एक दूसरे में फ्यूज होकर टू हंड्रेड सिक्स बोन्स रह जाती हैं नाउ दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटन स्केलेटन यू ऑल नो दिस इज स्केलेटन ये बॉडी का फ्रेमवर्क है पूरा दिस इज स्केलेटन बोन्स का एक फ्रेमवर्क बनता है एक स्ट्रक्चर बनता है जो एक ढांचा बोलते हैं हम इसे एक ढांचा बनता है इसके ऊपर फिर सारे मसल्स और उससे फिर बॉडी को शेप मिलती है हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन अ बॉडी वी हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड द नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ अ बॉडी यह हमें पता है कि हमारे कई पार्ट्स में हम फील कर सकते हैं जब हम प्रेस करते हैं उस पार्ट को तो हार्ड स्ट्रक्चर जो फील होते हैं ये बोन्स है तो और हम इसको किससे पता लगा सकते हैं आप अपनी बोन्स को एक्सरे से देख सकते हैं एक्सरे जब होता है तो उसमें सारी बोन्स की इमेज आ जाती है डॉक्टर्स एक्सरे यूज़ करते हैं जब किसी को लग जाती है इंजरी हो जाती है बोन्स में तो एक्सरे किया जाता है एक्सरे में शेप ऑफ द बोन्स बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं उनकी शेप इजीली उसमें दिखाई देती है एक्सरे के अंदर नाउ फील द बोन्स इन योर फोर आर्म अपने फोर आर्म में और अपर आर्म में लोअर लेग में अपर लेग में सब जगह आप अपनी बोन्स को फील कीजिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ कितनी बोन्स हैं हर पार्ट में ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द बोन्स सिमिलरली फील द बोन्स एट योर एंकल नीचे एंकल में नी की नी जॉइंट्स पे यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए विद द एक्सरे इमेजेस रीज़ अब दिस इज़ द एक्सरे में जी इस तरह का जॉइंट आपको दिख रहा है दो बोन्स ज्वाइन हो रही है दिस इज़ कॉल्ड जॉइंट तो यहाँ पर एंकल और नी ज्वाइंट दिखाया हुआ है ये एंकल ज्वाइंट है ये नी नी ज्वाइंट है अपनी फिंगर्स को बेंड कीजिए आर यू एबल टू बेंड दैम एट एवरी जॉइंट हर जॉइंट पर आप मूव कर सकते हैं फिंगर्स में देखिए कितने सारे जॉइंट्स हैं हाउ मैनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव फील द बैक ऑफ योर पाम पाम से चेक कीजिए आप इजिली फील कर पाएंगे जब आप फिंगर को मूव करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने जॉइंट्स हैं आपके इज़ योर रेस्ट फ्लैक्सीबल क्या आपकी रेस्ट फ्लैक्सीबल है इज़ इट मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स ये सेवरल स्मॉल बोन से बनी हुई है इसको कहते हैं कार्पल्स वॉट विल हैपन इफ इफ इट हैज़ ओनली वन बोन ये देखिए हैंड की बोन्स ये कितने सारे बोन्स हैं छोटी छोटी बोन्स हैं और जॉइंट्स कितने सारे जॉइंट्स हैं यहाँ पे फिंगर्स में ये आप ख़ुद भी नोटिस कर सकते हैं अपने फिंगर्स को देख के इतने सारे जॉइंट्स हैं और ये सारे कार्पल्स हैं ये कार्पल्स अटैच होकर पूरा हैंड बना रही हैं नाउ एक्टिविटी फोर टेक अ डीप ब्रेथ एक लंबी सांस लीजिए एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल और थोड़ी देर के लिए उस सांस को होल्ड करके रखिए अपनी चेस्ट की बोन्स का मूवमेंट देखिए और बैक बोन आपकी जो रीढ़ की रीढ़ की हड्डी है बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम दोनों जगह को चेस्ट और बैक बोन को प्रेस करके फील कीजिए रिब्स को काउंट कीजिए यहाँ पे ये रिब केज होती है हमारी चेस्ट में जो बोन्स होती हैं उसको रिब रिब केज कहते हैं ये रिब्स होती हैं इस तरह का स्ट्रक्चर है ये पूरा ये रिब केज है और रिब केज में बहुत सारी बोन्स हैं एक तरह का केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं ये रिब्स केयरफुली एंड कंपेयर विद वॉट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन्स वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंट बेंट है दी ज्वाइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टूगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स और इस बॉक्स को कहते हैं रिब केज बैक बोन और चेस्ट बोन ये दोनों अट्ट पीछे से अटैच होकर के पूरा केज बनाती हैं और इस केज के अंदर हमारे ऑर्गन्स एक्चुअली ये जो बोन्स uh, हैं हमारा जो स्केलेटन है ये एक तो शेप तो देता ही है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड करता है ये बॉडी को बट हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं ना उनको भी प्रोटेक्शन देता है अब इस रिब केज के अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है लंग्स प्रेजेंट होती है हार्ट प्रेजेंट होता है इन सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन भी मिलती है इससे बोन्स से तो बोन्स का वर्क प्रोटेक्शन भी होता है मूवमेंट में भी हेल्प करती हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी बनाती है हमारी बॉडी का वी सी दैट द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड एंड दे जॉइन द चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म द रिब रिब केज देयर आर ट्वेल्व रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट चेस्ट के दोनों साइड्स में ट्वेल्व बोन्स प्रेजेंट होती है एंड सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इन साइड द स्केज

और बैकबोन में थर्टी थ्री वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं द रिब केज इस जॉइंट ये रिब केज जो हमने पहले पढ़ा था ये इन बोन से बैक बोन से अटैच होता है वर्टिब्रीज से इफ़ बैक बोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन अगर ये हमारी बैक बोन एक ही लंबी बोन से बनी हुई होती तो हम लोग झुक नहीं पाते हम लोग बेंड नहीं हो पाते कोई भी बॉडी में मूवमेंट ईजिली नहीं हो पाता तो इसलिए जॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में मूवमेंट के लिए

नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ पेल्विक बोन्स ये पेल्विक बोन्स से बना हुआ होता है जैसे कि हमारा शोल्डर इधर हो गया और हमारे हिप्स हो गए हमारे हिप्स में भी पेल्विक बोन्स होती हैं दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक ये स्टमक के नीचे की तरफ होती हैं दिस इज द पार्ट यू सेट ऑन फिगर एट पॉइंट थर्टीन इज द पेल्विक बोन और हमारी शोल्डर में हो गई शोल्डर बोन्स द स्काल इज मेडअप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टूगेदर्स स्कल जो है ये आपका स्कल होता है ये ये स्कल ये कई बोन्स से मिलकर बना होता है जॉइंट होती है वो इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड वी डिस्कस मैनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ अ स्केलेटन ये हमने अभी डिस्कस करें बोन्स और जॉइंट्स देर आर सम्नल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते बट हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोन्स की तरह हार्ड नहीं होते और बेंड कर सकते हैं इनको बोलते हैं कार्टिलेज ये बड़े सॉफ्ट होते हैं अगर कार्टिलेज को फील करना है तो आपका ईयर जो है ना ईयर एक्सटर्नल ईयर इसको पिनना कहते हैं अपने ईयर को टच करके देखिए ये थोड़ा हार्ड भी है और इट इज़ सॉफ्ट ऑल्सो फील योर ईयर डो यू फाइंड एनी हार्ड bony parts that can be bent there do not seem to be any bones here you have a bone and do you notice anything different between the ear lobes and the portions above it yes this is the cartilage this one is the cartilage external ear or pinna is called the it is made up of cartilage the upper part of ear has cartilage and this is the lower part ear lobe do you feel something in the upper part of the ear दैट इज़ नॉट एज सॉफ़्ट एज द ईयर लोब ये जो ईयर लोब नीचे का पार्ट होता है इसकी तरह सॉफ्ट नहीं होता है ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये ऊपर वाला इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता है, ये ईयर लोब तो ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है दिस इज द कार्टिलेज एंड द कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट्स ऑफ द बॉडी हमारी बॉडी के जॉइंट्स में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता वी हैव सीन दैट अस्केलेटन इज मेड अप ऑफ मैनी बोन्स स्केलेटन बहुत बोन से बना होता है उसमें बहुत सारी जॉइंट्स भी होते हैं और कार्टिलीचेस भी होते हैं यू कैन फील बेंड मूव देम मैनी ऑफ देम नाउ वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स इन अर बॉडी एंड अबाउट द जॉइंट्स दैट हेल्प अस टू मूव इन डिफरेंट अभी तक हमने बॉडी की बोन्स के बारे में पढ़ा है जॉइंट्स के बारे में पढ़ा है जो हमें मूव करने में हेल्प करती हैं नाउ मेक अ फिस्ट विद वन हैंड आप

तो ये जो मसल ये जो मसल है ये आपको ऐसे थोड़ी ऊपर की तरफ दिखाई देती है जैसे बॉडी बिल्डर्स की होती है जो बॉडी बनाते हैं जिम में आ, उनकी इस तरह से ये जो मसल्स हैं ये थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई होती है तो आप जब ऐसे सीधा करोगे और जब हाथ को ऊपर करोगे तो ये आपको थोड़ी उठी हुई सोलन रीजन दिखाई देगा इन द अपर आर्म दिस इज कॉल्ड अ मसल द मसल बल्श ड्यू टू कंट्रैक्शन जब आपने इसको ऊपर किया तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके कारण ये लेंथ में छोटी हो गई और ये मसल आपको थोड़ी ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है नाउ ब्रिंग एन आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन वापस ऐसी नॉर्मल पोजिशन पर ले आओ आर्म को ऐसे लंबा सीधा कर लो हाथ को तो वॉट हैपन टू द मसल अब मसल को क्या हुआ इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं अभी कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है अभी मसल रिलैक्स हो गई वैन कॉन्ट्रैक्टेड द मसल जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है जब हाथ को आप ऐसे ऊपर कर लेते हो जैसे आप मसल दिखा दो ना किसी को देखो हमारी मसल्स बॉडी इतनी बन गई तो वो वाली जो पोजीशन होती है वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन होती है तो मसल उस टाइम शॉर्ट हो जाती है स्टिफ हार्ड हो जाती है और थोड़ी मोटी हो जाती है इट पुल्स द बोन और ये बोल को बोन को पुल करती है मसल्स जो है वो पेयर में काम करती हैं दे वर्क इन द पेयर्स पेयर मतलब दो दो के पेयर में काम करती हैं वैन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट जब एक कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल द बोन इज़ पुल्ड इन दैट डायरेक्शन तो बोन उस डायरेक्शन में पुल होती है और दूसरी मसल जो है दूसरे जो पेयर है मसल का तो अदर मसल ऑफ द पेयर वो रिलैक्स करती है टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन जब हम हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और दूसरी मसल रिलैक्स होती है ये पेयर में काम करती है मसल्स टू मूव द बोन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अगर बोन को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है

आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट क्या हमेशा मूवमेंट के लिए मसल्स और बोन्स रिक्वायर्ड होती है हाउ डू अदर एनिमल्स तो दूसरे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं जिनके बोन्स नहीं होती वॉट अबाउट द अर्थ फॉर्म वो कैसे मूव करता है स्नेल कैसे मूव करता है तो ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं जिनकी बॉडी में बोन्स नहीं होती ये हम अब पढ़ेंगे कैट ऑफ एनिमल्स फर्स्ट इज द अर्थ फॉर्म एक्टिविटी फ़ाइव आप एक अर्थ फॉर्म को ऑब्जर्व करना गार्डन में उसे जेंटली लिफ्ट करना और उसे किसी ब्लॉटिंग पेपर पे फिल्टर पेपर पे रख देना और फिर उसका मूवमेंट ऑब्जर्व करना उसे उठा के पेपर पे रख देना फिर देखना कैसे चलता है द प्लेस देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट फिर उसे एक स्मूथ ग्लास प्लेट पे रख देना या किसी स्लिपरी सरफेस पे रख देना फिर उसका मूवमेंट देखना इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेपर क्या दोनों में कुछ डिफरेंस होगा इन विच ऑफ द अबाउट टू सर्विस डू यू फाइंड दैट अर्थ वॉर्म इज एबल टू मूव इजिली दोनों सर्विसज में वो किसमें ईजिली मूव करेगा स्लिपरी वाली में मूव करेगा या पेपर पर मूव करेगा द बॉडी ऑफ एन अर्थ वॉर्म इज मेड अपनी रिंग्स ज्वाइंट वन ज्वाइंट एंड टू एंड ये देखिए इस तरह से बहुत रिंग्स से बना हुआ है छोटी छोटी बहुत रिंग्स है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है अर्थ फॉर्म के स्ट्रक्चर में नाओ एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स अर्थवाम की बॉडी में बोन्स नहीं होती हैं इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी मसल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं कि अपनी बॉडी uh, को कंट्रैक्ट भी कर सकता है और लंबा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है एक्सटेंड मतलब आगे बढ़ा सकता है छोटा भी कर सकता है अब जब इसका मूवमेंट होता है तो अर्थवाम फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी जब ये आगे मूव करता है ये आगे के पार्ट को पहले आगे बढ़ा लेता है ठीक है इट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड ये पीछे का जो पोर्शन है ये ग्राउंड से फिक्स रखता है और ये आगे के पोर्शन को पहले मूव कर लेता है ना नाउ देन इट फिक्सिस द फ्रंट पोर्शन अब ये यहाँ पे आ गया आगे पहुँच गया अब ये आगे के पोर्शन को यहाँ फिक्स कर लेता है ग्राउंड पे और ये पीछे के पोर्शन से आगे इसको छोड़ देता है यहाँ से तो ये आगे हो जाता है फिर वापस ये क्या करता है पीछे को फिक्स कर लेगा ये यहाँ पे फिक्स कर लेगा और आगे वाले से मूव करेगा तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है कीपिंग द रियर पोर्शन रियर मतलब पीछे का पोर्शन फिक्स हो जाता है देन इट फिक्सिस द फ्रंट एंड फिर आगे का फ्रंट आगे अटैच कर लेगा तो पीछे वाला अपने आप रिलीज हो के आगे आ जाएगा इट देन शॉर्टन्स द बॉडी तो इससे बॉडी शॉर्ट होती है एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड पीछे बॉडी शॉर्ट uh, हो जाती है और पीछे का जो पार्ट है वो आगे हो जाता है दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस तो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस कर करके ये मूव करता रहता है तो बेसिकली मसल का एक्सपेंशन होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण अर्थवॉर्म मूव कर पाता है कैन मूव थ्रू द सॉइल ये एक स्लाइमी सब्सटेंस भी सिक्रिएट करता है स्लाइमी मीन्स एक चिपचिपा स्लिपरी सा सब्सटेंस भी सिक्रिएट करता है अपनी बॉडी से अर्थवॉर्म इट इट्स बॉडी सिक्रिएट्स स्लाइमी सब्सटेंस एक चिप एक चिपचिपा सा स्लाइमी सा सब्सटेंस क्रिएट करता है जो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है तो ये अपनी बॉडी को फिक्स कैसे करता है ग्राउंड से हमने पढ़ा है कि अर्थवम बॉडी ग्राउंड से चिपक जाता है फिक्स कर लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे टाइनी ब्रिसल्स होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे ये उस पार्ट पे अटैच हो जाता है जो बाहर की तरफ निकले होते हैं जैसे टूथब्रश में निकले हुए होते हैं ना ब्रिसल्स उस तरह के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकले होते हैं बॉडी से और वो उस सर्फेस पे जैसे ग्राउंड पे अटैच हो जाते हैं तो जब ये पीछे का पार्ट जैसे अटैच हुआ पीछे का पार्ट जब अटैच होता है तो आगे का आगे का पार्ट अर्थवर्म का एक्सटेंड करता है फॉरवर्ड जाता है और पीछे से फिर आगे का पार्ट जाके आगे चिपक जाता है ग्राउंड पे ब्रिसल्स से और जो पीछे का पार्ट है वो ब्रिसल्स हट जाते हैं और वो पीछे का पार्ट अब आगे मूव हो जाता है ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शो करता है अर्थवर्म तो एक अच्छी ग्रिप बना लेती हैं ये ब्रिसल्स द ब्रिसल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड टू गेट अ गुड ग्रिप द अर्थ वॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द सॉयल इट्स बॉडी दैन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टिड पार्ट ऑफ द मटीरियल दैट इट ईट्स तो ये खाता रहता है अर्थवॉर्म सॉइल में जब एक्चुअली इट्स इट्स वे थ्रू द सॉइल और अनडाइजेस्टेड पार्ट मटीरियल उसको बाहर रिलीज भी करता रहता है दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थ वॉर्म मेक्स द सॉयल मोर यूजफुल फॉर द प्लांट्स तो जहाँ पर सॉइल में अर्थ वॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और अर्थ वॉम को फ्रेंड्स फार्मर की फ्रेंड्स भी बोला जाता है दे ऑल्सो कॉल द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स और ये सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देते हैं प्लांट्स के लिए वो सॉइल बहुत अच्छी होती है ग्रो करने के लिए नाउ द नेक्स्ट एनिमल इज स्नेल हैव यू एवर ऑब्जर्व द स्नेल स्नेल देखा है आप लोगों ने स्नेल का स्नेल की भी जो बॉडी होती है वो बहुत स्लाइमी और चिपचिपी सी होती है उसके ऊपर एक ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है विच इट कैरीज ऑन इट्स बैक अपनी बैक पे ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर कैरी करता है और ये इसकी बॉडी होती है अंदर की स्नेल की दिस इज़ कॉल्ड द शेल ये इसकी शेल होती है ये वाली स्नेल की शेल होती है ऊपर वाली इट इज़ द आउटर स्केलेटिन ये स्नेल का आउटर स्केलेटिन होता है ये बोन से नहीं बना होता शेल होती है ये ये एक सिंगल यूनिट होती है और ये मूव मूव करने में हेल्प नहीं करती इसको इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलॉन्ग ये इसको साथ में कैरी करनी पड़ती है ये शेल जो है इसको खींच के ले जानी पड़ती है ड्रैग करनी पड़ती है इसको ना प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट पे आप इसको प्लेस करो और फिर इसका मूवमेंट चेक करो जब ये मूव करना स्टार्ट करता है ना केयरफुली ग्लास प्लेट को लिफ्ट कर दो अलॉन्ग द स्नेल ओवर योर हेड ऑब्जर्व इट्स मोवमेंट्स फ्रॉम द बिनीथ अथेक् स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल उसको थोड़ा ऊपर की तरफ देखो ग्लास प्लेट के नीचे से इसको देखो तो आपको दिखाई देगा कि इसका जो थिक स्ट्रक्चर है एंड द हेड ऑफ द स्नेल वो इस ओपनिंग से बाहर निकल जाता है दैट कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल शेल की जो ओपनिंग है उसमें से उसका हेड बाहर निकलता है अ थिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट्स फुट हेड और एक थिक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जो थिक स्ट्रक्चर है उसको फुट बोलते हैं और ये स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है अब जैसे ही आप ग्लास प्लेट को टिल्ट करेंगे तो वेवी मोशन आपको दिखेगा वेव वेवी मोशन में ये फुट मूव करता हुआ आपको दिखेगा इज द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कंपेयर टू द अर्थ फॉर्म यह आप कंपेयर कीजिएगा नेक्स्ट इज द कॉकरोच कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम कॉकरोच चल भी सकते हैं क्लाइम भी कर सकते हैं और फ्लाई भी कर सकते हैं एयर में दे कैन इवन फ्लाई दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स टोटल सिक्स लेग्स होते हैं कॉकरोच में वन टू थ्री और थ्री इस साइड में वन टू थ्री तो टोटल सिक्स लेग्स हो गए और थ्री पेयर्स हो गए लेग्स के और बाहर का जो स्केलेटन होता है इसके आउटर स्केलेटन हार्ड होता है आउटर स्केलेटन से कवर्ड होता है ये लेग्स तो उसको वॉक करने में हेल्प करते हैं और इसकी बॉडी हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है और ये जो आउटर स्केलेटन है ये किससे बना होता है ये प्लेट्स से बना होता है इट इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स जॉइंट टुगेदर

दोज नीर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग वॉक लेग्स के पास में मसल्स होती हैं जो वॉक करने में हेल्प करती हैं मसल्स मूव करती हैं लेग्स को एंड द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स जो बॉडी मसल्स होती हैं वो विंग्स को मूव करने में हेल्प करती हैं जिससे कि कॉकरोच फिर फ्लाई कर सकता है नेक्स्ट आर द बर्ड्स द बर्ड्स इन द एयर द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक इन द ग्राउंड येस यू ऑल नो ग्राउंड में चल भी सकती हैं और फ्लाई भी कर सकती हैं सम बर्ड्स लाइक डक्स वो पानी में स्विम भी कर सकती हैं बर्ड्स अब फ्लाई कैसे करती हैं उनकी बॉडी वेल सूटेड होती है फ्लाइंग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी जो बोन्स होती है हॉलो बोन्स होती है अंदर से खोखली होती हैं बहुत हल्की बोन्स होती हैं लाइट वेट में होती हैं दीज बोन्स आर हॉलो बोन्स एंड दे आर लाइट हल्की होती है बहुत वेट में, में तो हल्की होती है इसलिए उनकी बॉडी हमारी बोन्स जो होती है ना वो हैवी होती है और बर्ड्स की जो बोन्स होती है बहुत हल्की लाइट वेट होती हैं तो वो कोई भी चीज़ हल्की होती है वो फ्लाई कर सकती है ना ईजिली तो इस तरह इनकी ये एक अडाप्टशन होती है इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है ये की इनकी बोन्स बहुत लाइट वेट होती है और हॉलो होती है तो बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग जो हाइंड लिम्स की बोन्स होती है ये वॉक करने में भी हेल्प करती है और पर्चिंग क्या होता है जैसे ये ब्रांच है तो ब्रांच पे जब ये बैठती हैं तो इस तरह से ये उस पर ग्रिप बना लेती हैं वो आराम से बैठ सकती हैं क्योंकि जब ये सोती भी है ना तो ये इस तरह से टाइटली उसको पकड़ लेती हैं और ये गिरती नहीं है ये ऐसे बैठी बैठी ही सोती हैं बर्ड्स ब्रांचेस को बस ये पकड़ लेती हैं तो ये वॉकिंग में पर्चिंग में दोनों में हेल्प करती हैं एंड द बोनी पार्ट्स ऑफ द फोर लेम्स आर मॉडिफाइड एज़ विंग्स ये विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं बोनी पार्ट फोर लेम्ब्स के एक फोर लिम्स हो गई और एक हाइंड लिम्स हो गई तो शोल्डर बोन्स है स्ट्रॉन्ग शोल्डर की बोन्स स्ट्रांग होती हैं और ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड ब्रेस्ट बोन्स मॉडिफाई हो जाती हैं फ्लाइट मसल्स टू होल्ड द फ्लाइट मसल्स को होल्ड करने के लिए क्योंकि जब ये विंग्स को ऊपर नीचे करेंगी तभी तो ये फ्लाई कर पाएंगी तो इसमें एक मॉडिफिकेशन हो जाता है बर्ड्स में अब फिश में देखते हैं आपने बोट की शेप और फिश की शेप को नोटिस करा है क्या उनकी शेप सेम होती है कुछ कुछ सेम होती है इस शेप को बोलते हैं स्ट्रीम शेप बोट लाइक -like शेप होती है फिश की द हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर ये देखिए ये इस तरह की जो शेप होती है ना ये स्ट्रीम शेप होती है हेड और टेल ये टेपरिंग होते हैं और बीच में से पार्ट थोड़ा ब्रॉड होता है मिडिल पोर्शन जो होता है थोड़ा ब्रॉड होता है और देन इट ग्रेजुअली टेपर्स एट द एंड्स एंड पे आके ये ऐसे छोटा या पतला पार्ट हो जाता है दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड द स्ट्रीम लाइन तो ये जो स्ट्रीम लाइन शेप है फिश में ये इसको स्विम करने में हेल्प करती है स्ट्रीम लाइन शेप हेल्प्स इन द स्विमिंग द शेप इज सच दैट द वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजिल एंड अलाउ द फिश टू मूव इन द वाटर इस तरह से कैसे मूव करती है जैसे वाटर ईजिली फ्लो कर पाता है बाहर का जो वाटर है ये यूं करके इस तरह से तो इसमें इस इस तरह से निकल जाता फिश इजीली स्लो कर स्विम कर पाती है वॉटर में द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रांग मसल्स जो स्केलेटन है फिश का वो स्ट्रांग मसल से कवर्ड होता है ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड टेल पार्ट स्विंग्स टूवर्ड्स द ऑपोजिट तो दिस फॉर्म्स अ करव एज शोन इन द फिगर देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व्स टू द अदर साइड देखिए इस तरह से कर्व बनाती है ये इस तरह से बॉडी इधर कर्व कर रही है और टेल इधर की तरफ कर्व कर रही है तो इस तरह से कर्व बन रहा है इस तरह से ये मूव move, मूवमेंट होता रहता है फिर ये ऐसे टेल को कर्व बना बना के ये मूव करती है फिर आगे का आगे का बॉडी पार्ट इधर टर्न हो गया और टेल में ऐसे पीछे कर्व बन रहा है तो इस तरह से मूवमेंट होता रहता है द फिश फॉर्म से कर्व एंड शोलन फिगर देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू द अदर साइड बॉडी अदर साइड पे और पीछे टेल कर्व करती रहती है दिस मेक्स अ जर्क इससे एक जर्क मिलता है और एक पुश मिलता है पीछे से जब उसकी टेल ऐसे मुड़ती है ना तो एक जर्क मिलता है और ये फिश की बॉडी आगे की तरफ जाती है फॉरवर्ड अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम इतने सारे जर्क्स आते हैं कि इससे फिश स्विम कर पाती है एंड दिस इज़ हेल्प बाय द फिन्स हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल टेल की जो फिंस होती हैं वो भी इसमें हेल्प करती हैं डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती हैं फ़िश को जो टेल फिन्स होते हैं पीछे की तरफ फिश ऑल्सो हैव अनादर फेंस ऑन द बॉडी विच हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी बॉडी के बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं टू कीप द डायरेक्शन वाइल्ड स्विमिंग अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन द फीट अंडर डाइवर्स जो होते हैं वो फ्लिपर्स फेंस की तरह इस तरह की फ्लिपर्स पहनते हैं इस तरह के फीट में टू हेल्प दैम मूव ईजिल इन वाटर जैसे वो वाटर में ईजिली मूव कर सकें हाउ डू स्नैक्स मूव स्नैक्स कैसे मूव करते हैं आपने स्नैक को स्लेथर या क्रॉल करते हुए देखा होगा क्या वो सीधा मूव करता है नहीं स्नैक कैसे मूव करता है स्नैक इस तरह से मूव करता है इस तरह से मूवमेंट होता है उसका स्नैक का वो कभी भी सीधा डायरेक्शन में ऐसे सीधा नहीं जाता स्नैक स्नैक हैज अ लॉन्ग बैकबोन दे हैव मैनी थिन मसल्स बहुत थिन मसल्स पतली पतली मसल्स होती हैं और बैक बोन लॉन्ग होती है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनादर एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं ये मसल्स ऑल्सो इंटर कनेक्ट बैक बोन रिब्स और स्किन इन सबको ये जो मसल्स हैं पतली पतली जो थिन मसल्स होती हैं ये दूर होती हैं पर फिर भी ये बैक बोन को रिब्स को और स्किन को कनेक्ट करती हैं इंटर कनेक्ट करती हैं द स्नैक बॉडी कर्व्स इंटू मैनी लूप्स बहुत सारे लूप्स में स्नैक लूप बनाता है फिर मूव करता है ईच लूप ऑफ द स्नैक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश जब भी ये एक लूप बनाता है तो आगे के लिए इसको फॉरवर्ड पुश मिलता है बाई प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड ग्राउंड से जब प्रेस करता है लूप बनाता है तो आगे फॉरवर्ड पुश मिलता है तो आगे जाता है सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स बहुत सारे लूप्स बनते हैं ईच लूप गिव्स इट दिस पुश अभी इतने सारे लूप्स बनेंगे ऐसे मूव करते टाइम तो ये सारे लूप्स पुश देते हैं उसे आगे मूव करने के लिए तो स्नैक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, ये इस तरह से लूप बनाते हुए मूव करता है वी हैव हर्ड द यूज ऑफ द बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ये हमने लर्न कर लिया है कि किस तरह से बोन्स और मसल्स एनिमल्स की मूवमेंट में हेल्प करती है स्नैक दो ग्रेट फिलोसफर थी एंशंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ये एरिस्टोटल जो है इनको हम फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ये बायो का चैप्टर है आगे जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो साइंस को थ्री थ्री उसमें सब डिवाइड किया जाता है फर्स्ट इज़ द फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं फिज़िक्स में आप फिनोमिनाज पढ़ते हैं नेचुरल फ़िनमिनाज हो गए और बायो में हम पढ़ते हैं बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो ये चैप्टर आपके बायोलॉजी का चैप्टर है और सबसे पहले साइंस बायोलॉजी uh, को जो स्टडी किया था वो एरिस्टोटल ने स्टडी किया था

एरस्टोटल ने भी नोटिस किया था वाई टू लेग्स ऑफ द ह्यूमन्स एंड फोर फॉर थाउजेंड बफेलोज ना सो मेनी क्वेश्चन एंड्स वी हैव लुकड फॉर सम आंसर्स कुछ आंसर्स हमें मिल गए हैं एंड वी नीड टू लुक फॉर मेनी मोर आंसर्स दिस यू विल कम टू नो वैन यू विल स्टडी दिज चैप्टर्स इन डिटेल इंड योर हायर क्लासेस ना नेक्स्ट टॉपिक इज़ योगा योगा इज एन इन वैलेबल गिफ्ट ऑफ द एंशंट इंडियन ट्रेडिशन यूनाइटेड Nations has डिक्लेयर 21st June जून the द इंटरनेशनल योगा डे योगा कीप्स अ पर्सन हेल्दी पर्सन को हेल्दी रखता है हेल्प इन कीपिंग द बैकबोन एरेक्ट हमारी जो बैकबोन है उसको सीधी रखने में हेल्प करता है, आप इनेबलिंग यू टू सिट स्ट्रेट एंड नॉट स्लाउच मतलब आप सीधे बैठोगे ऐसे झुक बैठ के नहीं बैठोगे तो हमारी बॉडी के बहुत many postures in yoga require you to lift your own weight. आपको योगा के पोस्चर्स में आसन जो आप करते हैं उसमें बॉडी के खुद के वेट को हमें उठाना पड़ता है विच हेल्प इन मेकिंग द बोन्स इससे हमारी बोन्स भी स्ट्रॉग होती हैं एंड हेल्प वार्ड ऑफ ऑस्टियोपोरिस ऑस्टियोपोरिस एक डिजीज एक डिजीज़ होती है जिसमें हमारी जो बोन्स हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं ब्रिटल हो जाती हैं और बोन्स में ईजिली फ्रैक्चर होने लग जाता है तो दिस इज कॉल ऑस्टियोपोरिस इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिलीविंग जॉइंट पेन हमारी जॉइंट्स में पेन भी नहीं होता है जो मोस्टली एल्डर लोगों की जॉइंट्स में पेन होने लग जाता है तो इट ट्यून्स ऑल द मसल्स मसल सारी मसल्स और सभी मसल्स को एक्टिव रखने में हेल्प करता है योगा इट कीप्स द हार्ट हेल्दी हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है और ये बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है हार्ट एफिशेंटली वर्क कर पाता है कुछ योगा के जो पोस्चर्स होते हैं दे शुड बी परफॉर्मड अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेंड पर्सन जो योगा ट्रेनर्स होते हैं उनकी सुपरविजन में ही कुछ ऐसे डिफिकल्ट पोस्स होते हैं उनकी सुपरविजन में ही करने चाहिए नाउ द की वर्ड्स ऑफ द चैप्टर एंड द समरी ऑफ द चैप्टर आई होप द चैप्टर यू हैव अंडरस्टुड द चैप्टर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप द वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू सो प्लीज़ लाइक द वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड राइट इट इन द कमेंट सेक्शन आपको वीडियो कैसा लगा